नंगू महाराज शाम के 5 बज चुके हैं और अभी भी बहुत ज्यादा धूप है और गर्मी है यार भाई साहब। और मैं आपको चीज दिखाती हूँ, ठीक है, दिखाती हूँ जी। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, अभी 5 ही बज रहा है, भगवान का जल्द से छाँव वाँव हो जाए यार। और फिर हम ना नंगे पैर चल रहे हैं क्योंकि सैंडल हमने ना उसमें रख दिए बस में, क्योंकि सैंडल्स का ये सिस्टम है कि उतार के जहाँ जाते हैं ना फिर एग्जिट कहीं और से करते हैं, तो घूम के आना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो खो भी सकता है, लातों लातों से इधर उधर हो सकता है, कोई और डाल सकता है, वैसे भी उतार के चले आए हैं जा रहे हैं। और कितनी जबरदस्त टैनिंग हुई है मेरे पैरों में देखो, मतलब ये एरिया ढका हुआ था तो सफेद है और काला कितना ज्यादा यार। कैसे छोड़ के आ गए? अभी हम लोग यहाँ से रिक्शा लेंगे और यमुना जी जाएंगे, ठीक है, तो चलिए। छीटा लगे पानी का, कष्ट मिटे प्राणी का। ये है हम नौका विहार करने, यमुना जी में आ गए हैं और ये सारे हम एक साथ आए हैं। अभी हम लोग ना नीचे उतर रहे हैं, कुछ तो नहाएंगे और हम यहाँ पे छींटे लेंगे। मम्मी मम्मी यहाँ पे ये बेचारी औरतें यहीं पे ही छपक छपक करी जा रही हैं और इन जेंट्स लोगों को देखो फुल चड्डे में उतर गए हैं यहाँ पे यमुना जी में नहाने। कपड़े तो लेके गए थे लेकिन उन्होंने नहाया नहीं क्योंकि सोचा कपड़े चेंज करने की जगह नहीं है, पर मैं बता दूं अगर आप नहाना चाहते हो तो जाके नहा सकते हो, वहाँ कपड़े चेंज करने की जगह है। और जी हाँ, शायद भागवत कथा चल रही थी और वो आपने मैं एक शर्ट में अंकल देखा, शर्ट पैंट पहन के चले गए थे वो अंकल। की मज़े की बात बताती हूँ, वो अंकल फ़ोन और पर्स दोनों साथ लेके चले गए थे, फिर उनकी वाइफ ने याद दिलाया कि आप फ़ोन पर्स कहाँ हैं, तो उन्हें याद आया कि फ़ोन पर्स मेरा तो जेब में है, भीग गया था सब। हमने जो है नौका विहार तो कर लिया लेकिन अब है मेन जो कि है मिशन, बाकी बिहारी जी के दर्शन। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि आज हर जगह ही भीड़ है, तो बहुत भीड़ मिलने वाली है। तो और एक तो फ़ोन बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के बंदर तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो जी मैंने यहाँ ले ली थी एक नमकीन लस्सी, क्योंकि लस्सी तो लेनी थी क्योंकि मैं बैठी थी एक दुकान के बाहर ठीक राधा वल्लभ जी के मंदिर के सामने। सीढ़ियों पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मम्मी और सब लोगों के कहने पे मैं बाके बिहारी जी गई और वहाँ पर मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन। बाकी बिहारी जी के दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गए हैं क्योंकि फूल बंगला सजा है, तो ना बाकी बिहारी जी आगे ही बैठे हुए हैं सामने मंदिर के अंदर से निकल के, तो एकदम साफ साफ दिखे भाई, मज़ा आ गया। और अब भीड़ भी काफ़ी हल्की थी, जैसे लग रहा था देख के इतनी तो नहीं थी, काफ़ी हल्की थी। तो हम लोग अभी बैठ के यहाँ पर थोड़ा पेट पूजा कर रहे हैं। यहाँ चल रहा है, मेरे को देख के लग रहा है कि मसाला ज़्यादा लग रहा है। कचौड़ी छोले है मेरी टिक्की छोले, खाती हूँ उसके बाद खाएंगे ढोकला।
हमने टिक्की विक्की तो सब खा लिया, अब यहाँ एक झाल मुड़ी वाला डल गया था, तो हमेशा मेरे को बनाना सब साथ में है। पंडित जी है, पंकज है, ये तो खाना जरूरी है भाई। पंकज है, पंडित जी है, दिल्ली में हर जगह भेल पूरी मिलते ना, इधर झाल मुड़ी तो मिलती नहीं है। पंकज भाई और मैं, इस बेचारे बंदरिया को इन्होंने बंदूक बना लिया है, सब आजाद घूम रहे हैं, लेकिन ये बेचारी यार। हमारी धार्मिक पूजा, पेट पूजा, सारी पूजाएं हो गई है और हम पहुंच गए हैं अपने पार्किंग, जो कि जो 6 शिखर पार्किंग था वहाँ पहुँच गए हैं हम। अब बस में बैठेंगे और सीधा निकलेंगे अपने घर को, उस बीच हम लोग करेंगे डिनर और खत्म। तो अब चलते हैं बस में जाके बैठते हैं। ये मैंने पेड़े ले लिए हैं और एक बार एक एक सिंगल हाथ उठा लो भाई सारे। आज हम जयकारा लगवाएंगे हमारे जो संत महादेव उनकी उनके जैसे वो लगाते हैं। आगे 5 बढ़ावा 5 6 कर दे भैया, एक हाथ उठाओ ऐसे जैसे और बोलना चाहते हो जय जय श्री राम। मस्ती में झूमते हुए इस बार तो रोहित शर्मा ने भी कप उठाया था ना, वो भी स्टाइल से है ना, पता है ना सबको, तो कम से कम राधा रानी का चेकर तो स्टाइल से हो जाना चाहिए। तो बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बल बरसाने रानी की जय हो, बोलो रानी की जय हो। रहे है विश्वान की दुलारी, फूलों में सज रहे ग्रैंड प्रकाश ढाबा। सुबह का ब्रेकफास्ट और नाइट का लंच, नाइट का डिनर, अभी मम्मी बोलने वाली थी ना, नाइट का डिनर सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं पे ही होता है, इसके साथ फिक्सिंग है। तो कुछ इस तरह की शक्ल हो चुकी है, 10:30 हो गए हैं, अभी खा पी करके नो स्टॉपिंग सीधा घर, और मैं काफ़ी थक भी चुकी हूँ।
सब कुछ कंप्लीट हो चुका है और हम लोग बैठ गए दोबारा बस में। अब सीधा जो गाड़ी निकलेगी वो अपने घर को जाएगी और बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई है, शक्ल वगल आँख वाख सब काली हो काली पीली सी हो गई है, बहुत अभी भी गर्मी सी लग रही है। अब कुछ नहीं करना, मतलब मैं देख रहा हूँ कितना रियल फेस दिखा रही हूँ अपना रियल फेस। अब कुछ नहीं करना, अब बस फ़ोन रखना है, आंखें बंद करनी है और सो जाना है। अभी जब सब बंदे आ गए हैं और फिर हम लोग जो है बस चलेगी और हम जाएंगे। मैडम जी ऐसे मत करो, देखो मेरा बैग धरा हुआ, हाँ जी आपने मेरे रसगुल्ले सारे फोड़ दिए। सो गया होगा तो जी वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर। Bye-bye.